कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो, बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो तीन बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि दो बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ाकर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख निकालना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जा, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उसे घटाने से मांगना, जो तुम्हें तो देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है, उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है, इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जबी जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूं, कहां जाऊं, सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो, जब देखो जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ, ये कर लो वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी, अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है, अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कहकर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर तेरे भरोसे। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहाँ, सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहां जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ, ने 5 ये ले जाओ, ने वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका साथ। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार, अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है, अंत समय के बाद में प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे क्योरी कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे कमला के, नहीं गई ना शंकर के मंदिर इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही महादेव, ये जाती ना तो नहीं टूट रही है निश्चय, बहुत चटर चटर कर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ, मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही, एक जैसा फोटो इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई और तुम पल्लू लेके मुस्कुराते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जीवन जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा है तुम्हारा फोटो, इतनी शान से जियो मारा छोरा मारा छोरा, मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया, जब उनका नहीं लगाया तुमने तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी, अरे जी जी जाने दो, रही राजस्थान वाली हो। कोई नहीं याद करे फालतू की बात, जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए पर कोई नहीं याद करे, कौन याद करेगा, जिंदगी है अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं खुश होकर जियो, इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है पर लोग भी परिवार वाले भी कहेंगे कि कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है तो भी कितनी मुस्कुरा रही है, पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है, उनकी रोटी नहीं भाएगी उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है, कारण क्या है इसके मुस्कुराने का, इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं है यजराम की बोलो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो
मस्ती में क्या किसको रोई है चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बंगों से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रे, बोलने दो। तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन वो गाली दे तुम श्री शिवाय, बस सास को ऐसी देख के दो चार बार बोल दो श्री शिवाय, सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या, बस इतना तो बहुत। तो वो बोले कि जादू कर रही है, कहना पता नहीं मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है, तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पसंद कर रहे हैं, इस मंत्र में कुछ तो होगा ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, ये जिभ्या से जितनी बार निकलता है। शिव महापुराण में अभी अभी कुछ समय पहले एक दो महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या, लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन दिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां लिखा, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होने नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहां है, तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है, तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। आज गुरुजी ने अपनी कथा में यह बताया है कि अगर आप शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो आप बचा हुआ जल कम से कम दो बूंद भी अपने घर को ले जाए। अगर आप पात्र में पूरे भरकर जल ले जाते हैं तो पूरे शिवजी पर चढ़ा देते हैं, आप बचाकर जल घर वापस नहीं ले जाते हैं, यही आप भूल करते हैं। इसलिए गुरुजी ने यह बताया है कि जो भी पात्र में जल लेकर जाए वह पूरा पानी शिवजी पर चढ़ा दे और थोड़ा सा पानी बचाकर अपने घर को ले जाए और अपने घर उस पानी को छीट दे, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी, धन संपदा आती रहेगी। यह गुरुजी ने अपनी कथा में बताए हैं।